हेलो दोस्तों, मैं तारिक और बहुत दिनों बाद मैं आया हूँ यूट्यूब पे। आज मैं आपको फिर से शॉप कराता हूँ कबूतरों का, चीज़ें बताता हूँ अपने कबूतरों के बारे में। जैसे देखिए, एक कद्दूमा आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कद्दूमा और एक कद्दूमा आपके सामने उठक रहा है। ये कद्दूमा लगभग 20-22 साल हो चुके हैं और आज भी ये मस्त है। इसके बच्चे 3, 4, 5 बजे तक आए हैं और ये कद्दूमा ये आ रहा है। एक जोड़ा ऊपर आप देख रहे हैं, पेड़ों के ऊपर बैठा हुआ है। ये मादा है और ये नर है। तो ये कबूतरों का जोड़ा है, बहुत कुछ है। ये कचो है, हर नस्ल कोशिश करता हूँ, वो खासतौर हरों की नस्ल तो कहीं ना जाए हमारे यहाँ। आज मैं आपको नस्लों की नस्ल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कद्दूमा, बेदाग, ये बच्चा निकला है और ये बाप है। तो ये नस्लें हैं थोड़ी बहुत छोटे छोटे। ये देखिए, महीन तिक्का कचो है, एक ये कचो है जो चमकता है और एक ये है। तो ये कोंडेदार कासनी का मादा है जो आप देख रहे हैं, और ये आप देख रहे हैं हरे, ये जो जा रहा है। देखिए, 22 साल पुराना कबूतर है और ये टेढ़ी उंगली का, ये लगभग 24 साल हो गए हैं। और ठाट देखिए कबूतर, कद्दूमा, ये कद्दूमा है। तो कुल मिलाकर मैं बताना चाह रहा हूँ कि कबूतर रखने का शौक़ है, लेकिन आजकल रेडिएशन का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मादाएं मर रही हैं, नर मर रहे हैं, बहुत मुश्किल है बचाना। और हम कोशिश करते हैं कि नस्लों को बचाएं, क्योंकि फिर मैं कहूँगा, ये देखिए एक कोंडेदार खुदनू का जोड़ा, मादा अंदर है और ये नर है, आप देख रहे हैं। खूबसूरत जोड़ा है ये, तो बहुत ही खूबसूरत ही बेदाग जोड़ा आप देख रहे हैं, ये बेदाग। और ये कचुच्चा नर है, अगर मादा कहीं से मिल जाती है तो बहुत अच्छा हो जाता। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल फिर मिलूँगा, जल्दी से जल्दी आपको वीडियो दिखाऊँ। ज़रूर शेयर कीजिए हमारे वीडियो को, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बहुत सारा प्यार दीजिए।